कांद्याच्या दराने नागरिकांना इतकं रडवलंय की आता चक्क कांदा चोरी होतीये. मध्य प्रदेशातील मंदसौर मधील नारायणगडच्या शेतकऱ्यानं शेतातील कांदा चोरीला गेल्याची तक्रार केली आहे. सोमवारी रात्री चोरांनी थेट शेतात घुसून कांद्याची चोरी केल्याचा आरोप जितेंद्र धनगर या शेतकऱ्यानं केलाय. जवळपास 7 क्विंटल कांद्याची चोरी झाल्याचं या शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे. या कांद्याची किंमत सुमारे 30 ते 35 हजार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू आहे. नाशिक महाराष्ट्र से जाकर जो हम रोप लाए थे वो लगाया और उसमें बड़ी मेहनत करी और मेहनत जैसे सफलता मिलने ही वाली थी कि प्याज हमारा बड़ा हुआ था और चोरों ने कल रात यहाँ पर उखाड़ कर ले गए और पास में जो एक नाला था वहाँ पर उसकी कटिंग करके वो जो ऊपर का छिलका तो नाले में डाल गए और प्याज वो चुरा कर ले गए. जो ग्राम रीछा के निवासी एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उनके खेत से प्याज निकाल ली गई है, चोरी कर ली गई है. रिपोर्ट में लगभग 30,000 रुपये का प्याज चोरी का उन्हें आकलित किया गया है. वर्तमान थाना पर अभी स्पॉट पे हैं, कितनी चोरी हुई है, वर्तमान में किस दर से प्याज खरीदी जा रही है, उन सब के आकलन तो किया जाएगा. साथ में अपराधी पंजीबद्ध कर रहे हैं.